हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्याम मेटल मेटलिक्स एंड एनर्जी स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में था, आप खुद से देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, नीचे कुछ करेक्शन आया, फिर साइडवेज और अब फिर से स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है और ब्रेकआउट हो भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट बनाया था जो कि लेवल बनता है समथिंग 430 रुपए के आसपास। ठीक है, 430 का सपोर्ट बनाया स्टॉक ने। स्टॉक एक रेंज में घूम रहा था जो कि थी लगभग 450 रुपए के आसपास, 51 के आसपास। ठीक है, वहीं पे स्टॉक ने आज फिर से रीटेस्ट किया है, आज फिर से रीटेस्ट किया है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बात करें खरीदारी करने की तो आपके लिए जो खरीदारी का लेवल होगा वो 466 रुपए के ऊपर होगा। 466 रुपए के ऊपर आप बाय करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट की। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 450 के आसपास। टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट आपका 492 रुपए हो जाता है, 492 रुपए हो जाता है। उसके बाद यदि स्टॉक ऊपर मूव करता है तो आपके लिए और लेवल बढ़ जाते हैं लगभग 550 रुपए तक के आसपास के लिए। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने खुद के रिसर्च पर। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।